अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, वी नेचुरल चैनल पर मैं आराधना गौतम आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी ब्यूटी की, आपके चेहरे की, स्किन की एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी 100% हेल्प करेंगे। होती ये चीज सभी के घर में, पर सभी को इसके प्रॉपर यूजेस पता नहीं होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए उसके सारे हैक्स लेकर आई हूँ। आपकी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, पिंपल मार्क्स है, एक्ने मार्क्स है, ब्लैक हेड्स हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशनेस है, मतलब स्किन की ओवरऑल प्रॉब्लम, एजिंग से लेकर और पिंपल वगैरह, मतलब एक टीनेजर से लेके एजिंग फैक्ट तक हमारी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके सभी के समाधान है आज के वीडियो में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये तो बताना भूल गई कि आज के हैक्स है किससे, एक आलू से। जी, सिर्फ एक आलू से आप अपनी स्किन की प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। चेहरे पे बहुत ज़्यादा थकान है या फिर चेहरा बहुत डल और डार्क हो गया है तो आपको लेना है एक आलू। आलू को इस तरह से कीस लीजिए। कीसने के बाद में इसका रस निकाल लीजिए। देखिए, कुछ इस तरह से रस निकाल लेंगे हम। ये मैंने कपड़े में आलू कीसा था जिससे आसानी से ये रस निकल गया। अब इसमें मैं एक टमाटर का रस निकाल के डाल दूंगी। टमाटर को बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से दबा देंगे। और इसमें डाल दिया मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल। इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में आइस ट्रे में इसे आइस क्यूब हम जमा लेंगे। इस तरह से आइस क्यूब्स में इसे भर देंगे और इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे। ये आइस क्यूब जम चुका है। अपने फेस पर इसे इस तरह से डेली रब कीजिए। आपके चेहरे पर जितने भी डलनेस है, पिगमेंटेशन है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और स्किन एकदम ग्लोई हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा ग्लो आएगा। अगर आपके हाथों में या पैरों में सन टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आलू लीजिए, उसमें टमाटर डाल लीजिए। एक आलू में एक टमाटर डाल लीजिए और 2 चम्मच दही डाल के इस तरह से मिक्सर में पीस लीजिए। और जहाँ पर भी सन टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, इस तरह से इसे रब कीजिए। और 10 मिनट तक अच्छे से रब करने के बाद में इसे आप किसी नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। आप खुद देखेंगे, आपके फर्स्ट यूज़ में ही इफ़ेक्ट नज़र आएगा। देखिए आप दोनों हाथों में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। यह है आलू का असर। आलू को आप इस तरह से छील के और आधा काट लीजिए। उसमें थोड़े से डॉट 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 इस तरह से कर लीजिए और अपने फेस पर वीक में 2 बार आप इसको इस तरह से रब कीजिए। इससे क्या होगा, आपके स्किन के जो पोर्स हैं उसमें जितने भी डर्ट वगैरह होगी वो निकल आएगी। एस्ट्रोजन का काम करेगा, बहुत अच्छा क्लींजर का काम करेगा। आपके चेहरे पर जितने भी दाग हैं, धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, उसे ख़त्म करेगा। स्किन को एकदम नरिश करेगा। इसका रस लगाते लगाते अगर सूख जाता है तो इस तरह से इसे स्क्रैच कर लीजिए चाकू से, जिससे इसका रस फिर से निकल आएगा। और फिर से इसे रब कर लीजिए और 10 मिनट तक रब करने के बाद में फिर अपना फेस वॉश कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे आलू को। इस तरह से मैंने कीस लिया है। कीसने के बाद में इसका रस निकाल लेंगे। और ये रस निकालने के बाद में इसमें मैंने एक आधे आलू के रस में मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया है। और इस तरह से अपने एक कॉटन बॉल लेकर अपने फेस पर लगा लीजिए। इससे चेहरे की डर्ट वगैरह आराम से क्लियर हो जाएगी। चेहरे पर दाग धब्बे, अगर झाइयाँ आ गई है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से लगा के रखिए। और लगा के रखने के बाद में आपको इसको अच्छे से सूखने देना है अपने फेस पर। आप इसे 15 मिनट के लिए सूखने देंगे और फिर अपना चेहरा धो लीजिए। अगर आपकी कोहनियाँ या घुटने या पैर काले हो गए हैं तो एक आलू इस तरह से कीस लीजिए। उसमें 1/2 चम्मच मीठा सोडा डालिए और जहाँ कर की भी जगह काली हो चुकी है वहाँ पर ये लगा लीजिए। उसके बाद में इसे धो दीजिए 15 मिनट बाद। देखिए आप कितना इंस्टेंट असर दिखे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे आलू के हैक्स जो कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। आलू बहुत ज़्यादा, मतलब हमें जो खाने से जितना प्रोटीन मिलता है उतना उसको लगाने से भी मिलता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन हैक्स को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कितने इफ़ेक्टिव लगे। सजेशन दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत सारे भर भर के लाइक दीजिए यार। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से करती हूँ, बाय बाय।